सो हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप बीए या बीएससी या फिर बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से, तो आज आपको ऐसे टॉप 6 कॉलेजेस के बारे में बताएंगे जहां से आप बीए या बीएससी या फिर बीकॉम की डिग्री हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बताएंगे कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या करना होगा। और एक बात, ये सभी टॉप 6 कॉलेजेस बिलासपुर यूनिवर्सिटी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड है। मैं आपको इन सभी कॉलेजेस का लोकेशन भी साथ साथ बताते चलूँगा, क्योंकि अगर आप बिलासपुर आकर अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपका एम, आपका टारगेट सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते होंगे या एक्सेट्रा जो भी। चलिए देखते हैं 6th नंबर पे जो कॉलेज है, DLS PG कॉलेज। हाँ जी, DLS पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। यह कॉलेज अशोक नगर सरकंडा बिलासपुर में स्थित है। इस कॉलेज में आप मेरिट बेस से एडमिशन ले सकते हैं और यह एक प्राइवेट कॉलेज है और यह कॉलेज UGC से अप्रूव्ड है। ठीक है, यह कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से अप्रूव्ड है। चलिए नेक्स्ट नंबर 5th पे जो कॉलेज है, CM दुबे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इस कॉलेज का लोकेशन है बस स्टैंड लिंक रोड नियर ओल्ड CMD चौक बिलासपुर। ठीक है, इस कॉलेज में आप मेरिट बेस से एडमिशन ले सकते हैं और यह भी एक प्राइवेट कॉलेज है एंड ये भी UGC से अप्रूव्ड है। नेक्स्ट कॉलेज की जब हम बात करते हैं वो है DP विप्र कॉलेज। जी बिल्कुल, द्वारिका प्रसाद विप्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह कॉलेज ओल्ड हाई कोर्ट रोड टीकरापारा बिलासपुर पर स्थित है। इस कॉलेज में आप मेरिट बेस से एडमिशन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा भी रहती है। क्योंकि यह एक प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर डायरेक्ट एडमिशन की सुविधाएं दी जाती हैं और यह कॉलेज भी UGC से अप्रूव्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज है, LCIT कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। जी बिल्कुल, LCIT कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस जो कि विद्या स्थली चिचिरदा रोड बोदरी बिलासपुर में स्थित है। इस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और यह भी बिलासपुर के प्राइवेट कॉलेजेस में से एक है। अब चलिए देखते हैं 2nd नंबर पे जो कॉलेज है, गवर्नमेंट जमुना प्रसाद वर्मा पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। हाँ जी, गवर्नमेंट JP वर्मा PG आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। यह कॉलेज रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेसवे जरहाभाटा बिलासपुर में स्थित है। इस कॉलेज में आप मेरिट बेस से एडमिशन ले सकते हैं। यह कॉलेज भी UGC से अप्रूव्ड है और यह गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल जाता है। अब देखिए, जितना भी मैंने 5 कॉलेजेस आपको बताया है अभी, वो सभी कॉलेजेस में BA, BSc और BCom कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब देखिए, फाइनली मैं आपको जो कॉलेज बताने वाला हूँ जहाँ सिर्फ BSc अवेलेबल है, BA और BCom कोर्स अवेलेबल नहीं है, और वो कॉलेज है गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव PG साइंस कॉलेज। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज, जो कि बिलासपुर का नंबर 1 ऑटोनॉमस कॉलेज है और यह कॉलेज सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर में स्थित है। इस कॉलेज में आप मेरिट बेस से एडमिशन ले सकते हैं और यह कॉलेज भी UGC से अप्रूव्ड है एंड दिस कॉलेज एक्रेडिटेड विद ग्रेड A बाई NAAC, इट मीन्स नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब देखिए, इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे फर्स्ट, आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां आपको 4 कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप एक साथ 4 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर कॉलेजेस का मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, बाय।